नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो ये आज है 25 तारीख, 25 मार्च, और दोपहर का टाइम हो चुका है। टाइम बज गए हैं तकरीबन 3 बजने वाले हैं। और जैसे कि आप सभी जानते हो कि गांव में काम लगा हुआ है, तो काम का ऐसा हो रहा है कि कभी ये होता है कि ये पेंडिंग छोड़ दो, ये बाद में करा लेंगे। फिर रिश्तेदार या जैसे आप लोगों के भी कई बार कमेंट आए हैं कि नहीं, इस काम को पूरा कर लो, बार बार मिस्त्री नहीं लगाए जाते। तो इसी तरीके से असमंजस्य में दिमाग रहता था। तो फाइनली आज एक डिसाइड किया है कि जो बाहर का काम था हमारा, जो टैले वगैरह लगवानी है, वो पेंडिंग ना छोड़ के उस काम को पूरा कर लिया जाए। तो मैं आपको दिखा दूँ पहले, फिर चलेंगे हम। मैं मार्केट जाना है और स्पेशल हमने टैले लेने ही जाना है आज। देखिए, एक तो यहाँ पर ये पौड़ियों की टाइल है, ये पौड़ियाँ हैं, तो इनके ऊपर टाइल लगानी है। तो बजट तो बिगड़ ही जाता है जब इतना बड़ा काम होता है, और हमारी एक नॉर्मल फैमिली के लिए तो ये बहुत बड़ा काम है। जब मिस्त्री सब पूछते हैं ना कि कितना खर्चा आएगा, तो वो इतना सा बता रहे हैं। अब जब काम लग जाओ फिर इतना हो जाओ, तो बढ़ता 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 हो जाए। तो पीओपी का भी काम, जैसे कि देखा है आपने यहाँ पे, ये देखिए पीओपी का काम चल रहा है इस कमरे में भी, और दूसरे कमरे में भी यहाँ पे पैड बांधी हुई है, ये भी चल रहा है एक कमरे में। यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया है पीओपी का काम, ये देखिए। तो ये सूखने में टाइम लगेगा, उसके बाद पुट्टी सुट्टी, बहुत खर्चे हैं, खिड़की गेट दरवाजे, तो मतलब बजट से ऊपर काम हो गया। लेकिन फिर भी आप लोगों की सपोर्ट से, और हाँ, आप लोगों का आशीर्वाद और भगवान था। बस एक बात ये है कि एक तो ये कलर वगैरह का और घिसाई का काम नहीं पड़ता, दरवाजे खिड़की तो बाद में आराम से चलते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस हमारा ये था कि भाई हमारे घर सामान वगैरह जो है वो हो जाए, जितना हो जाए, लेकिन वो पॉसिबल नहीं लग रहा, वो बाद में ही आना पड़ेगा उसके लिए। और जो आज हम जा रहे हैं, मैं आपको बताऊं कि हम जा रहे हैं टाइल लेने। तो बाहर का जो एरिया है ये, यहाँ पे हम 2-3 फुट तक हम सोच रहे हैं टाइलें लगवा दें, ताकि थोड़ी सी सीलन भी है और वैसे भी ठीक लगेगी थोड़ा सा इसका, जो यही मेन चीज़ है हमारी, और इसी से थोड़ा सा यहाँ पे बेस बनता है, मतलब एक मकान का। तो आज जा रहे हैं हम टाइल्स लेने, और इंदु जा रही है साथ में। मैं एक दो बार देख के भी आया, मुझे जचता नहीं। मतलब कई बार क्या होता है कि दो बंदे जब जाएंगे, मैं और इंदु जाएंगे या कोई और जाएगा घर का साथ में, तो फिर हम एक चीज़ को फाइनल कर सकते हैं, नहीं तो फाइनल करनी बड़ी मुश्किल रहती है। तो बस अब चलते हैं, हो गए हैं तैयार, और फिर आपको दिखाएंगे भी पे कौन कौन सी हम टाइल ले रहे हैं, कौन सी खरीद रहे हैं, और क्या क्या रेट की है, और कौन कौन से एरिया में हमें वहाँ पे लगानी है। चलिए, टाइल्स वाली दुकान पे, और काफ़ी सुंदर सुंदर टाइल्स थी यहाँ पे, लेकिन जैसी हमें चाहिए थी वो ढूंढना भी एक बहुत बड़ा टास्क था, क्योंकि हमारा रीजन था ढूंढने का ये कि टाइल्स इस तरीके की हो, अगर वो गंदी भी हो जाए तो साफ हो जाए, नहीं तो डिजाइनर टाइल्स बहुत सारी थी, लेकिन उनमें क्या था कि जितनी उनमें मतलब अंदर लाइन्स होती है ना, उनमें उतनी ज़्यादा वो गंदी होती है। अगर हम खुद रहते हैं तो एक अलग चीज़ है, लेकिन मम्मी हुई या रुचि हुई तो उनसे इतनी नहीं हो पाती। तो हमारा वो था कि वो चीज़ हम ध्यान में रखें कि मम्मी और रुचि उस काम को आसानी से कर पाए, जैसे टाइल्स वगैरह साफ़ करना, बाथरूम की, टॉयलेट की, या बाहर की, जैसे भी है। तो वो सारी चीज़ें हमारे ध्यान में थी कि कलर्स इस तरीके के हों कि ज़्यादा गंदे ना लगें, और अगर गंदे हैं भी तो उनको साफ करने में ज्यादा प्रॉब्लम्स ना हो। तो जी, बस उन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पे टाइल सिलेक्ट की, और उसमें भी ये था कि मतलब अगर हम कलर सिलेक्ट कर भी रहे तो वो ऐसा ना लगे कि भद्दा सा लगे, फुअड़ सा लगे, तो कलर थीम के साथ वो मैच होना चाहिए। तो आगे आपको बस वही है जो हमने ली है, वही वाली टाइल्स है, आपको दिखाई भी थी।
तो जी उसके बाद कुछ कप्स वगैरह लिए घर के लिए, क्योंकि थे नहीं कोई आ जाता है तो कप्स नहीं थे अच्छे वाले, तो वो लिए और एक दो चीज़ और घर की रोज़मर्रा की ली थी। उसके बाद देखिए आ गई हूँ मैं घर पे और मैं धो रही हूँ कपड़े। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि कपड़े पानी की वजह से बड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि पाइप्स वगैरह दब रहे हैं, नीचे कनेक्शन लगाए जा रहे हैं नए पाइप के, तो उसकी वजह से दिन में ज़्यादातर जो पानी है वो बंद ही रहता है। तो उसी के ही कारण क्या होता है कि कभी तो पाइप बंद हो जाते हैं, पानी बंद हो जाता है, कभी लाइट नहीं आती, तो मतलब टाइमिंग बड़ी ख़राब हो रही। तो यही है कि बीच बीच में कपड़े धोते हुए कई बार तो लाइट चली जाती है, तो उसमें भी बहुत टाइम लग जाता है। तो खैर देखिए कोई नहीं जी, काम करने पड़ते हैं कैसी भी कंडीशन हो, कैसी भी सिचुएशन हो। तो उसके बाद मशीन लगा के यहाँ पे मैं अब कपड़े निचोड़ने लगी हूँ। थोड़े जो कम मैले कपड़े होते हैं उनको मैं पहले डाल देती हूँ, और कलर वगैरह का भी देखना पड़ता है कि कलर्स ना उतर रहे हो किसी के या कुछ भी, क्योंकि जो मेरे कपड़े हैं वो बहुत ही कम गंदे होते हैं। रुचि के भी कम ही गंदे होते हैं, लेकिन जो बाहर अंदर का काम करते हैं उनके कपड़े ज़्यादा गंदे होते हैं। और देखिए बस यहाँ पे मैं कपड़े निचोड़ने लगी हूँ। एक चीज़ आप लोगों ने अगर नोटिस की हो तो देखिए रुचि भी है यहाँ पे, मैं भी हूँ, मम्मी भी है, सभी है, लेकिन आपने ज़्यादातर मुझे जो देखा होगा वो काम अकेले ही करते हुए देखा होगा। तो ऐसा नहीं है कि रुचि मेरे साथ नहीं करवाती या मैं रुचि के साथ नहीं करवाती या कोई नहीं। तो एक तो देखिए जी यही बात है कि रुचि के साथ छोटा बेबी है, तो मैं उसको जल्दी से कुछ नहीं बताती, और मेरी कोशिश यही रहती है कि जो मैं खुद कर सकती हूँ वो खुद कर लूँ। और दूसरी बात जो है, जो मेन रीज़न है वो ये है कि मेरे पे किसी के साथ लग के काम नहीं होता। मतलब मुझे लगता है कि जो काम मैं अकेले ज़्यादा बेटर कर सकती हूँ वो मैं किसी और के साथ लग के नहीं कर पाती, क्योंकि मुझे ऐसा है कि अगर मैं किसी को काम बताती हूँ और अगर वो चल दे साथ के साथ या साथ के साथ हो जाए तो अच्छा है, लेकिन अगर मुझे लग रहा कि मैं बताऊँगी और वो काम नहीं होगा या जैसे मैं चाहती हूँ वैसे नहीं होगा, तो फिर मुझे थोड़ी सा अजीब हो जाता है। और कई बार ये होता है कि जैसे काम हम अपने आप कर सकते हैं तो हम दूसरे को ना समझा पाते कि वैसे करना है या कैसे। तो इसी वजह से मोस्टली क्या होता है कि मैं काम अकेले ही करना पसंद करती हूँ बजाय किसी के साथ के। और फिर ये भी हो जाता है कि भाई जो काम मैं अकेले कर सकती हूँ उसमें दो या तीन बंदों को क्यों पिलचाना, या मतलब रुचि है या कोई भी। तो इसी वजह से जो है मैं ज़्यादातर अकेले ही काम करती हूँ। तो जी देखिए यहाँ पे मैं अब कपड़ों के बीच में ही सब्जी लगी हूँ छोंकने, मैं सब्जी छोंक दूंगी और उसके बाद रुचि जो है वो बना देगी रोटियाँ। तो जी देखिए मैंने सब्जी में लगा दिया है तड़का और उसके बाद रुचि है रोटी बनाने लगी है, और मैं अपने बचे हुए काम पे कर रही हूँ, लगी हूँ वापस से। और वही है जैसा कि मैं अभी बता रही थी, तो मैं अपनी इस आदत से कई बार दुखी भी हो जाती हूँ, क्योंकि कई बार होता है कि हम अकेले नहीं कर पाते, लेकिन वही यार दूसरे के साथ हो नहीं पाता, तो उससे मैं कई बार बड़ी परेशान हो जाती हूँ अपनी इस आदत से। पर जी क्या करूँ, मेरी मानसिक संतुष्टि के लिए मैं ये करती हूँ, क्योंकि मेरी संतुष्टि नहीं हो पाती उन कामों को लेके, तो कुछ भी समझ लीजिए। लेकिन ये भी है कि मैं कई बार इसी अपनी इस आदत से बहुत परेशान हो जाती हूँ, क्योंकि कर नहीं पाती मैं फिर किसी के साथ लग के काम। मैं करवा दूंगी, लेकिन अगर मैं कोई काम खुद से कर रही हूँ तो मैं वो अकेले ही करना पसंद करती हूँ। तो जी खैर चलिए कोई बात नहीं, जो भी है जैसा भी है ऐसी ही हूँ मैं, आपके सामने हूँ जैसी भी हूँ। तो इधर देखिए जी बस कपड़े मेरे ज़्यादातर धोए गए हैं, जो लास्ट के बचे हैं राउंड वो मैंने कर दिया है ड्राई। मशीन को भी मैं धो के साफ़ करके रख दूंगी। और आप लोग मुझे पूछ रहे थे कि दीदी आपका सामान कहाँ है, तो जी मेरा सामान नहीं है, मैंने बताया भी है कि शादी में जो मेरा सामान था वो हमने वहीं पे ही लिया था, पिंजोरी जाके शादी का सामान अपनी। और यहाँ पे सिर्फ मेरी एक जो गोदरेज अलमारी होती है ना वो है, और एक सिर्फ कपड़ों का बॉक्स है, तो बाकी मेरा यहाँ पे कोई सामान नहीं है। बाकी रुचि का जो है ये ऊपर है, सुमन के पास भी दो, मतलब सुमन और आंसू के पास दो दो चीज़ हैं, तो उनका सामान यहाँ पे भी है और जहाँ भी रहते हैं वहाँ पे भी है, उन्होंने लिया हुआ है। लेकिन मैं स्टार्टिंग से ही बाहर ही रहती थी, पिंजोर ही रहती थी, तो इसीलिए फिर हमने गांव में सामान नहीं लिया, क्योंकि कभी कभार मेरा आना जाना होता था और फिर रूम्स भी इतने नहीं थे कि भाई सारा सामान इनमें डाला जाए या रखा जाए, तो इसी वजह से फिर मैंने सामान नहीं लिया था। लेकिन अब ये है कि भाई रूम्स बन गए हैं, स्पेस निकल गया है, तो अब यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी सामान की। तो आगे जब अगली बार हम आएंगे वापस, तो तब तक जो है कमरों का घरों का काम जो है ज़्यादातर कम्प्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद हम देखेंगे कि फिर अपने रूम्स के लिए क्या क्या सामान लेना है, बेड वगैरह या कुछ भी। तो
तो वो तब लेंगे। तो इसीलिए आप लोगों को यहाँ पे मेरा सामान नजर नहीं आता। यहाँ वाली साइड जहाँ अभी रह रहे हैं रुचि का सामान है, नीचे आंसू का सामान है, और जो दूसरे वाली साइड है वो उधर कमरों में जो ऊपर दो रूम है वहां पे सुमन का सामान है। और जो सुमन है जी वो मेरी देवरानी है, ना कि जेठानी, और वो रहती है देहरादून। आप लोग पूछ रहे थे कि सुमन कौन है, तो सुमन मेरी देवरानी है जो रहती है देहरादून, और फिलहाल वो गई हुई है मायके। और हम सब इकट्ठे इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि सबके टर्न लगे होते हैं कि अब वो आएगा अब वो आएगा, और सारों का आके भी कोई फायदा नहीं, और फिलहाल तो मतलब ही नहीं बनता कि सब आ जाए क्योंकि एक ही रूम में रहना खाना हो रहा। तो इस वजह से ये भी दिक्कत है कि हम सारे लोग एक साथ जमा नहीं हो पाते एक जगह। तो जी खैर, शायद आप लोगों को आपके काफ़ी सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। मैं कोशिश करती हूँ कि आपको दे दूँ जवाब। तो देखिए जी, बस यहाँ पे अब काम निपटा के जो है अब बचा है मेरा बाद का काम। तो जी अब जो यहाँ पे बस रह गया है बाहर धोना, और रुचि जो है वो खाना वगैरह खा के नीचे चली गई थी, आरू रो रही थी उसको सुलाने के लिए। तो तब तक जो काम थे वो मैंने निपटा लिए, बर्तन वगैरह का, साफ सफाई का जो भी था। और अब बस यहाँ पे बाहर की तरफ धोना रह गया है, तो वो भी मैं अब धो दूंगी, वही अपनी रोज वाला जो रूटीन है वही। तो गैस वगैरह साफ करके मांज के अच्छी तरह अब मैं बाहर पानी डाल के पहले धोऊंगी और उसके बाद लगा दूंगी पोछा। तो इससे जो है पानी इसे मैं इसलिए धोती हूँ कि जिससे कि जितनी भी मिट्टी है वो निकल जाए और पोछा जो है फटाफट से लग जाए। तो जी बस अब वाइपर लगा के मैं लगा दूंगी यहाँ पे पोछा। तो जी देखिए, निपट गया है बाहर का काम, और रुचि जो है वो करने लगी है दूध मीठा। अब सबके लिए दूध ही बच गया था, बाकी सारा काम हो गया था। और तब तक जो है मैं यहाँ पे डाल दूंगी कपड़े वगैरह बिछा दूंगी, बच्चे भी सोएंगे, और पीयू के डैडी तो सो ही गए थे क्योंकि इनको कुछ दिन से तबीयत इनकी जो है वो ठीक सी नहीं लग रही है। तो ये लेट गए थे दवाई लेके, और इनका है कि ये खाना खाते ही लेट जाते हैं। अगर खाना खाते ही ये सो गए तो सो गए, नहीं तो इनको फिर रात को नींद नहीं आती। तो इसलिए जब ये खाना खाते हैं तो उसके बाद ये साथ के साथ सो जाते हैं, तो हम इन्हें कोई नहीं छेड़ता फिर घर में कि भाई अगर उठ गए तो फिर इनको नींद नहीं आती। इसलिए जी ये बस लेट गए हैं, और पर ये है कि अभी यहाँ पे मुझे बिस्तर बिछाने हैं, तो इनको उठा के दूसरी साइड बोलना पड़ेगा लेटने के लिए मच्छरदानी में। तो यहाँ पे इनकी मच्छरदानी लगा दी है मैंने, और अब इधर की साइड बच्चों वाला बिस्तर भी मैं बिछा दूंगी। तो पहले मैं झाड़ दूंगी बेडशीट, क्योंकि रेत बहुत होता है बेडशीट पे, तो पीहू रुई लगी रहती है मेरे साथ करवाने पे। और जी इसके बाद जो है हमारी जो बेड सॉरी मच्छरदानी है वो भी ले लूंगी। तो आप लोग पूछ रहे थे कि दी ये मच्छरदानी कितने की है, तो ये जी मैंने 550 रुपये की मच्छरदानी ली है, अब ली है जो। और जब मैं काफ़ी 3-4 साल पहले मैंने जो ली थी, डबल ही ऐसी ली थी मैं अपने मायके से लेके आई थी, जब ये चली थी तब मुझे 750 पता नहीं 850 रुपये की ये मच्छरदानी मिली थी। तो देखिए जी बस बिस्तर बिछा दे, बच्चे मस्ती करने लगे हैं, और यहाँ पे रुचि करने लगी है दूध मीठा। तो जी अब वो दे देगी सबको यहाँ पे, तो मैं ही लूँगी। इसके डैडी तो सो गए थे, बच्चे रात को पीते नहीं मेरे कभी यहाँ, और यहाँ पे बोर्नविटा नहीं उनको मिलता, तो इसलिए वो पीती नहीं है रात को दूध पीऊ रुई ना। अगर बोर्नविटा मिल जाता है तो पी लेती है। तो जी बस ये था आज का मेरा रूटीन। आई होप आपने आज का वीडियो एंजॉय किया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। आप लोग अपना बहुत ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए राधे राधे।